सलामैकम एवरी वन वेलकम बैक टू तो माई चैनल सो तो ये लुक मैंने क्रिएट की थी थर्ड तो सेकेंड डे दुबई में और ये दुबई पार्ट टू और लास्ट पार्ट है जी और तैयार होने के बाद हमने ये खाना खाया था इस रेस्टोरेंट से और चाय पी थी और दैन हम लोग आउटिंग के लिए निकल गए थे लास्ट uh, डे मैं अपनी कज़न से मिली थी और हमारी फ़्लाइट थी तो बस जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया था सो so, या yeah, हम दो ही दिन रुके थे दुबई में थर्ड डे हम लोगों की फ़्लाइट थी सो so, अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स दी अरब के uh, बीच पे अरब ही, ही कहते हैं ना आई थिंक वही कहते हैं तो दुबई मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया था तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बाहर लॉट्स ऑफ प्लेसेस इन दुबई लेकिन अभी सिर्फ हमने दो चार चीज़ें ही एक्सप्लोर की और फ्लाइट थी वापस पाकिस्तान की दुबई की हमें सचेस कोई नॉलेज नहीं थी कि क्या वहाँ पे उबर वेंट वगैरह जो कि हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी थी उबर। और किसी को भी नहीं पता था कि हमारा दुबई में दो, दो दिन का स्टे है ना मेरी कज़न्स को ना ही किसी को और बहुत अच्छा टाइम गुजर गया था और बहुत इन्जॉय किया था ये दो दिन भी हम लोगों ने बिल्कुल वेस्ट नहीं किए थे बस ये किया था कि बाकू से हम थके हुए आए थे तो हम लेट सो के उठते थे अराउंड बारह एक बजे के करीब और फिर निकलते निकलते तैयार होते होते दो तीन बज जाते थे तो वो हम लोगों ने टाइम बस थोड़ा सा वेस्ट किया और बाकी सब जो है वो अच्छे से हो गया था हम जितना जो कुछ भी हम देख सके वो हमने देखे और मुझे तो बस ये ऊबर में घूमने का ही मज़ा आ गया था क्योंकि ये देखें ना कितना खूबसूरत दुबई है और मैंने सिर्फ टेन परसेंट भी एक्सप्लोर नहीं किया होगा दुबई का बिकॉज दुबई बहुत ज़्यादा बड़ा है सो इनशाला जब नेक्स्ट मैफ जाऊँगी तो मैं सब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगी और सिर्फ दुबई का ही ट्रिप रखूँगी ठीक है मैं कह भी रही थी कि दुबई का जो ट्रिप है ना वो हमें नहीं लेना चाहिए था हमें डायरेक्ट वापस आ जाना चाहिए था लेकिन हम लोगों का दुबई में ऑलरेडी स्टे था हमारी टिकट के अंदर तो फिर हमने एक्सपेंड कर लिया दो दिन हमने ले लिए सो इस वजह से हम रुक गए थे कि ताकि मैं अपनी कज़न से भी मिल लूँ और मामी से मिल लूँ उनकी अब डैथ होगी अल्लाह उनकी मफ़रत करे शी वॉज़ रियली क्लोज़ टू माई हार्ट और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं उनसे मिल सकी थी इस ट्रिप में और मैंने उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया बहुत सारी बातें की वो और उनकी और मेरी लास्ट मेमोरीज हैं उसके बाद से वो बहुत बीमार हो गई थी और हम सही से मिल भी नहीं सके वो सही से बात भी नहीं कर पाती थी जब हम जाते थे उनसे मिलने क्योंकि वो पाकिस्तान आ गई थी सो so, बस डैट्स वाई अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होती है हर काम में शायद दुबई में स्टे इसीलिए था ताकि मैं उनसे मिल सकूं और बस क्या कह सकते हैं आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उन्हें जन्तलफरद में जगह दे और उनकी सारी आजमाइशें और तकलीफ़ें जो कुछ भी था वो सब आसानी में बदल जाए और वो जो है वो आला दर्जों में उनका नाम लिख दिया जाए आमीन सुमा आमीन और जी हाँ हम पहुँच चुके हैं बीच पर और आम, थोड़ा सा टाइम हमने बीच पे स्पेंड किया था एज़ यू कैन सी के बिल्कुल सनसेट हो रहा था जब हम पहुँचे थे और इस टाइम तक भी जो लोग थे वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे बीच पे और बहुत ही ज़्यादा जो है वो <coughs> यहाँ पे रश भी था बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे पानी है और हम लोग जा रहे हैं टू वर्स बीच लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा सो so, हमने कहा कि फ़ायदा कोई नहीं है तो हम सुबह चक्कर लगाने की कोशिश करेंगे जाने से पहले और हम जो हैं वो इस वजह से फिर वापस आ गए थे थोड़ा सा मैंने बस पानी में एंजॉय किया था मैं आ गया सो हेयर आई एम लोग देखें हम कितने ज़्यादा हैं है। ये कोरोना से पहले का दौर चल रहा है बहुत लेट ब्लॉगिंग की एडिटिंग कर रही हूँ मैं बीच में बहुत कुछ हो गया था मैं पार्ट नहीं एडिट कर पाई और वीडियोस डाली और काफ़ी ज़्यादा पार्ट मेरे दुबई व्लॉग के डिलीट भी हो गए हैं आई डोंट नो कैसे हो गए हैं लेकिन हो गए हैं सो दिस वाज़ द लास्ट पार्ट और बस हमने थोड़ा सा पानी में इन्जॉय किया था और फिर हम वापस चले गए थे क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि आज हमने फाउंटेन शो लाजमी देखना है और फाउंटेन शो के अपने ही मजे थे तो हमने कहा कि चलो यार फाउंटेन शो इंजॉय करते हैं Uh, बहुत सुना था उसके बारे में तो फिर हम वहाँ चले गए थे इस वजह से हमने यहाँ पर बस थोड़ा सा ही टाइम स्पेंड किया था थोड़ा सा ही मैंने इंजॉय किया था क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी और बस वापस भी जाना था और यहाँ पे दुबई में काफ़ी जल्दी चीज़ें बंद हो जाती हैं लाइक दस बजे के बाद बंद होना शुरू हो जाते हैं मॉल्स वगैरह भी आई थिंक बारह बजे तक सो so, यहाँ पे मैं इन्जॉय कर रही हूँ लहरों के साथ और जितने भी लोग अभी तक पानी में थे वो निकल चुके थे उनके काफ़ी टाइम हो गया था ऑलमोस्ट हमने एक डेढ़ घंटा यहाँ गुजारा होगा और उसके बाद हम चले गए होंगे और बस यही बस यही तक यहाँ पे था बस अब आगे फाउंटेन अच्छा ये जो पार्ट है ना ये बिल्कुल इस बीच के ऑपोजिट एक पार्क था मुझे अब इस पार्क का नाम याद नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत था बहुत प्यारा पार्क था हमने थोड़ा सा यहाँ पर वॉक की थी कुछ खाया था यहाँ से हमने आई थिंक सामने शॉप्स वगैरह थी जो छोटी टाक शॉप्स होती हैं वहाँ से हमने कुछ ले लिया था काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे इन्जॉय कर रहे थे बच्चों को लेकर आए हुए थे बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त पार्क था ये बिल्कुल बीच के ऑपोजिट था तो हमने चलते चलते ये भी एक्सप्लोर कर लिया था ऊबर का वेट कर रहे थे हम लोग और फिर हम लोगों ने जाना था फाउंटेन शो देखने इस वजह से हमने कहा कि जब तक हम ऊबर कराते हैं हम लोग थोड़ा सा ये पार्क इन्जॉय कर लेते हैं सो so बस हम ये पार्क की इंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे कोई आगे जाके रेस्टोरेंट्स भी थे ये वाला और यहाँ पे फिर हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ ली थी लुक लुकैट नहीं हम सो गैस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं फाउंटेन शो देखने के लिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कार्स और बाइक्स खड़ी हुई थी तो हम ये थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे और यहाँ पे लोग इनके साथ फ़ोटोज़ ले रहे थे और जितनी भी लग्जरीस कार्स होती हैं हाई एंड जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे खड़े इतनी खूबसूरत बाइक थी कि मैं बाइक देखने के लिए रुक गई थी मैंने फिर पिक्चर क्लिक कर ली और इज लविंग दिस बाइक इतनी कूल बाइक थी ये कि ना पूछें और वो देखें आप वहाँ लोग पिक्चर्स ले रहे हैं गाड़ियों के साथ और मुझे ब्रांड्स का नहीं पता स्पोर्ट्स कार वग़ैरह मर्सिडीज़ वग़ैरह खड़ी हुई थी खैर और अभी यहाँ पर फाउंड शो स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर इसके अंदर बड़े मज़े का म्यूज़िक खिंचता है सो नाओ वी आर गोइंग टू दैट साइड जहाँ फाउंटेन शो होता है और वहाँ पे इतना रश था इतना रश था कि ना पूछें और हम लोगों को बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी और मैंने ब्लॉग के लिए शूट करना था और मैं कही थी बार बार कि जगह ढूँढे जगह ढूँढे और फिर हमें कहीं पे भी मतलब इतना रश कि ना पूछें और देन फिर हमें आखिरकार जगह मिली गई ढूँढते ढूँढाते बहुत मज़ा आया था यहाँ पर मतलब मैंने फर्स्ट फर्स्ट तो पे मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक की थीं और फाउंटेन शो किया था यहाँ पे आए चिटी के बोर्ड और देख सकते हैं आपके यहाँ पानी में बैठ चुकी हूँ मैं, मैं निकाल के चिटी के बोर्ड ले लेते हैं और अच्छा बोर्ड दिखा देते हैं आप बस आपके इन शेयर गया था और अब मैं बैठी हुई हूँ बोर्ड में हेयर आई एम वेयर आई एम किधर हूँ आगे 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 ये ये मैं बैठी हुई हूँ शो एंजॉय करने के बाद आई वाज सो 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 टायर्ड और फिर यहाँ पर ना आप थोड़ा सा आगे जाओ ना तो आपको एक पूल पॉइंट मिलता है वहाँ पे इन्होंने मैट्स बिछाए हुए हैं वहाँ आप बैठ के भी एंजॉय कर सकते हो वहाँ पे भी हमने बैठ के एंजॉय किया था ये फाउंटेन शो हम लोग काफ़ी तीन चार घंटे यहाँ पर थे सो so गाइज यही था ब्लॉग ये है मेरी वापसी पे एयरपोर्ट की टिक एयरपोर्ट की पिक्चर और अब मैं प्लेन में हूँ वापस पाकिस्तान जा रही